दोस्तों, जैसे ही बात आती है डिस्टेंस एजुकेशन की, डिस्टेंस एजुकेशन हो, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन हो, या फिर हो ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर और भी कई नामों से बोला जाता है डिस्टेंस एजुकेशन को, जिसको दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, और अक्सर ऐसा सुना गया है कि यूनिवर्सिटीज अलग अलग प्रोग्राम्स को डिस्टेंस एजुकेशन या फिर आप ये बोले कि उसको ऑनलाइन एजुकेशन का चोला पहनाकर एडमिशन लेना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन पीएचडी करवाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमने देखी हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑनलाइन करवा रही हैं। हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं हमेशा आपको अवेयर करता रहता हूं और बताता हूं आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज गड़बड़ कर रही है, या फिर किन कोर्सेज में आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। बट उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल फंस जाते हैं और उन कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं जिन कोर्सेज में डिस्टेंस एजुकेशन अलाउ करता ही नहीं उन यूनिवर्सिटीज को एडमिशन लेने के लिए, पर एडमिशन होते हैं। दोस्तों, अपने देश में देखा जाए तो हर काउंसिल के ऊपर या कोर्सेज के ऊपर एक एग्जिट टेस्ट आ गया है, जिस एग्जिट टेस्ट को दिए बिना उस कोर्स को वैलिड माना ही नहीं जाएगा या फिर आप एलिजिबल हो ही नहीं। और सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि अपने देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ उसका लेवल, किस दर्जे तक वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है स्टूडेंट्स को कि नहीं, इसीलिए सभी काउंसिल्स ने अपनी एग्जिट टेस्ट भी बनाई। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या कहता है डिस्टेंस एजुकेशन की जो वेबसाइट है, डेप की वेबसाइट क्या कहती है, किन किन कोर्सेज को आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते, ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा पार्ट मोड नहीं चल सकता पर आप उसके बावजूद एडमिशन लेकर बैठे हैं, आपकी डिग्री इनवैलिड है, उसी के बारे में बताने वाला हूं क्या कहता है वो नोटिफिकेशन। ज्यादा कुछ जानने के लिए कौन से कोर्सेज आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि डिस्टेंस एजुकेशन पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, सब बताया था आपको कि अपने हिंदुस्तान में पहले डिस्टेंस की जो यूनिवर्सिटी आई, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आई 19 नवंबर 1985 में। हालांकि डिस्टेंस एक्ट तो पहले आ गया था पर यूनिवर्सिटी बनी पहली 1985 में, बट उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई और गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने गलत तरीके से एडमिशन लिया, लाखों स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर था वो दांव पर लगा दिया। उसके बाद जब हरकत में आया यूजीसी, हरकत में आई डिस्टेंस बॉडी, तो बाद में उसको बदलकर डेप बना दिया गया, यूजीसी के अंडर वो पूरी चीजें डाल दी गई। उसके बाद में बहुत कुछ बदलाव हुए। हालांकि देखा जाए 2019 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस का अप्रूवल दिया गया, बट 20 में वो अप्रूवल वापस ले लिया गया, मतलब वो यूनिवर्सिटीज उस लायक थी ही नहीं। मतलब नेक एक्रेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उनके पास तो बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी। आप अगर रेगुलर भी एडमिशन लेना चाहते हो यूनिवर्सिटीज में तो उनके पास हॉस्टल तक नहीं है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको सावधान रहना चाहिए जो झूठ बोलकर एडमिशन लेती हैं उन कोर्सेज में जो वैलिड ही नहीं करता। दोस्तों, आप डिस्टेंस एजुकेशन में या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में, पार्ट टाइम एजुकेशन में, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं डिस्टेंस में कोई कोर्स कंप्लीट करना, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, आप इनमें हमारी मदद ले सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या पर्सनली कुछ चीज जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी जरूर बताएंगे, साथ ही बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट फीस है। आप कंसल्टेंट हैं, आप परेशान हैं इन चीजों को लेकर, आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी से टाइप करना, आप चाहते हैं सही तरीके से एजुकेशन में काम करना, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करवा देंगे। आप सीधा उन यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन में आप काम कर सकते हैं और जो भी कमीशन आपके आते हैं, कंसल्टेंसीज आती है, आप उन पर काम कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत तरह की सहूलियत प्रोवाइड करती है। आप क्या करें, सबसे पहले दोस्तों ये जानने के लिए किन किन कोर्सेज को आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते, उसके लिए पहले वेबसाइट को ओपन करें। क्या वेबसाइट ओपन करेंगे आप? www.deb.ugc.ac.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, नीचे लिखा है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अब क्या कहती है ये वेबसाइट दोस्तों, यहाँ से आपको डिस्टेंस की हर तरह की वो जानकारी मिल जाएगी जो जानकारी आप लेना चाहते हैं। आप नोटिस बोर्ड पे जाकर क्लिक करें। नोटिस बोर्ड पे क्लिक करने के बाद में आप तीसरा पॉइंट देखें, यहाँ लिखा है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलिंग फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL एंड और ऑनलाइन लर्निंग मोड। मतलब आप सावधान रहें, प्रिकॉशंस लें, आप सावधानियां बरतें ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जिसमें कि ODL की बात, डिस्टेंस लर्निंग की बात की जा रही है, ऑनलाइन की बात की जा रही है, कौन कौन से कोर्सेज आप नहीं कर सकते हो डिस्टेंस से, इसको चेक करने के लिए जैसे ही वो नोटिस खुलेगा, नोटिस जो पब्लिश हुआ 23 अगस्त 2022 को,
इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो यह पूरी लिस्ट है, पांचवे नंबर पर आप देखिए पूरी लिस्ट है। यह क्या लिखा हुआ है, कॉशन अगेंस्ट एडमिशन इन प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स। जो प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स है, जो बिल्कुल आपको बताते हैं कि इन कोर्सेज में आप एडमिशन ना लें डिस्टेंस में। प्रोग्राम्स इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन इंक्लूडिंग देयर अलाइड डोमेन्स आर प्रोहिबिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ODL एंड ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन मोड। अब फिर भी PhD आप ऑनलाइन मोड पे जाकर कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज आप ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज पैरामेडिकल के आप ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो। इवन हमें तो लॉ भी लोग बोलते हैं कि LLB मैं ऑनलाइन मोड पर कर रहा हूँ। अब ये जितने भी टोटल कोर्सेज हैं, जैसे कोर्सेज कौन कौन से मेंशन किए हैं, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, BTech है या MTech है, दोस्तों कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के आज भी हजारों स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है दांव पे लगा हुआ है। डिग्री लेना सिर्फ सपना ही था, जिन्होंने डिग्री ले ली वो भी इनवैलिड हो गई, और जो कर रहे थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास किया वो भी फंस गए। साथ में कोर्सेज आते हैं मेडिकल के, मेडिकल जैसे कोर्सेज आप नहीं कर सकते ऑनलाइन, फिजियोथेरेपी BPT आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, डिस्टेंस में आप नहीं कर सकते, या मेंशन है BPT MPT आप नहीं कर पाओगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड अदर पैरामेडिकल डिसिप्लिन्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी जो ऑफ कैंपस सेंटर बनाती हैं पैरामेडिकल के लिए, और बोलते हैं हम ऑनलाइन करवाते हैं, पार्ट टाइम करवाते हैं, डिस्टेंस करवाते हैं, सब झूठ। झूठ तरीके से एडमिशन लिया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने तो ये भी देखा है कि फार्मेसी में, मतलब B Pharmacy, D Pharmacy, M Pharmacy में पार्ट टाइम ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं ये कोर्सेज। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी CMS ED कोर्स के ऊपर, CMS and ED जो कराया जाता है, 18 महीने का कोर्स होता है, किस तरह से आप मेडिकल में एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उस वीडियो को बहुत पसंद भी किया गया। और कैसे, पर ये कोर्स तो कर लेंगे आप, क्लिनिक भी खोल लेंगे, पर डॉक्टर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बताया था। वीडियो को देखेंगे समझ पाएंगे किस तरह से स्टूडेंट्स के फ्यूचर साथ खिलवाड़ किया जाता है। फार्मेसी भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, नर्सिंग जैसे कोर्सेज आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, डेंटल नहीं कर सकते आप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस में या पार्ट टाइम में। आर्किटेक्चर जो कोर्स होते हैं, BR करते हो आप या MR करते हो, आर्किटेक्चर जो भी कोर्सेज होंगे आप वो डिस्टेंस में, पार्ट टाइम में या ऑनलाइन मोड पे नहीं कर सकते, तो आप इन चीजों से बिल्कुल अवेयर रहें। साथ में ही लॉ LLB नहीं कर सकते आप डिस्टेंस में, कई सारी यूनिवर्सिटीज LLM भी देती हैं डिस्टेंस में, कैसे दे रहे हैं जब यहाँ पे मेंशन है तो ऐसा कर नहीं सकते हालांकि वो लोग। एग्रीकल्चर कोर्सेज जैसे BSc एग्रीकल्चर, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्टेंस की हमें मार्कशीट दिखाते हैं, यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं। हॉर्टिकल्चर भी आप डिस्टेंस नहीं कर सकते, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज को आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। और आप अगर देख रहे हो हमारी पिछली वीडियो, आपने डिस्टेंस वाली देखी हो, मैंने बताया था जितने भी काउंसिल कोर्सेज हैं दोस्तों वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऐसे जो फ्रॉड होते हैं, जो झूठ बोलकर यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती हैं, उनसे आप बचिए। एक जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रही हैं, आप उसकी खुद की नॉलेज भी आप चेक कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि धक्का मार दे आपको गलत तरीके से और आपको फंसवा दे किसी भी तरह से। गलत तरीके के जो चलते हैं इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ऐसे आप एडमिशन ना लें। साथ में कैटरिंग टेक्नोलॉजी, साइंस के कुछ कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट जो कोर्सेज हैं वो भी आप डिस्टेंस में, ऑनलाइन में, पार्ट टाइम में आप नहीं कर सकते हैं। विजुअल आर्ट एंड स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते हैं। साथ में नीचे एक लाइन और लिखी है, वो भी आप पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है, एनी अदर प्रोग्राम नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन डिस्टेंस दोनों से ही नहीं कर सकते हो आप लोग, मोड एंड और ऑनलाइन, ऑनलाइन से भी नहीं कर सकते हो। मोड बाय एनी कंसर्न्ड स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी और काउंसिल, जो भी यहाँ से एफिलिएट करते हैं उन कोर्सेज को आप नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली कौन कौन से कोर्सेज, जैसे एविएशन के कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स एंड टूरिज्म, ये कोर्स भी आप नहीं कर पाओगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी आप नहीं कर पाओगे, और साथ में ही ऑनलाइन मोड पे भी अगर कोई चला रहा है तो वो भी गलत है। एट UG एंड PG लेवल आर नॉट परमिटेड इन ODL मोड और ऑनलाइन मोड। और जो ये UG और PG के कुछ कोर्सेज होते हैं, इन्हीं के रिलेटेड जो काउंसिल रिलेट करते हैं या ऐसे कोर्सेज जो प्रैक्टिकल ज्यादा मांगते हैं, उन कोर्सेज को भी आप नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस मोड पर। लास्ट में जो बोल्ड में कुछ लाइन लिखी है पढ़ लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द अबव MPhil एंड PhD प्रोग्राम, हालांकि MPhil तो बंद हो गया है, अब PhD प्रोग्राम इन ऑल डिसिप्लिन्स, PhD किसी भी डिसिप्लिन स्ट्रीम में हो, थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको ऑनलाइन बोलकर PhD में एडमिशन ले रहे हैं वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और कई बार जो कंसल्टेंट आपका एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि वो भी पूरी नॉलेज नहीं रखते, पूरी तरह से इसकी अपडेट नहीं रखते अपने साथ में, नहीं पढ़ते हैं चीजों को, इसीलिए आपके साथ धोखा हो जाता है दोस्तों। इसमें कंसल्टेंट्स की गलती नहीं, बट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज एडवर्टीजमेंट ही इस तरह से करती है कि स्टूडेंट्स उनके झांसे में फंस जाते हैं।
दोस्तों आप कोई भी वीडियो चाहते हैं किसी भी कोर्स पर, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज पर, या आप क्या नेक्स्ट अपडेट चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछिए ताकि हम रिप्लाई कर सकें। और बेस्ट कौन सी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी आप पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका रिप्लाई करेंगे। आप कंसल्टेंट हैं, आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी टाइप करना, आप चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में काम करना, आप हमें कॉन्टैक्ट करें या फिर हम कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपको बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टाइप आपसे कर लेंगी और साथ में आप उनके साथ काम कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोर्स को लेकर, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। हम वीडियो लेकर आएंगे, अपने डाउट्स को क्लियर हम जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके दोस्तों सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।